बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 19 मई 2021। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। जी डियर स्टूडेंट्स, हम ग्रामर पढ़ रहे थे। कल हमने एक लेटर जो है वो पढ़ा था, थैंकिंग फॉर बर्थडे गिफ्ट। आज हम एक स्टोरी और एक आपकी रिमिशन ऑफ फाइन जो है वो एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसके साथ ही जो है वो आप लोग थोड़े से प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस जो हैं एक्टिव पैसिव में चेंज करेंगे, जैसे कि कल आपको दिए गए थे। तो आइए देखते हैं कि आपके कौन से पेज पे हैं। ब्राइट डिफरेंट हो सकती है, पेजेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो टाइटल है वो सबके एक जैसे ही होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पेज नंबर 253 है, जिसमें हमारे पास स्टोरी है हेयर एंड टोटाइस, कछुआ और खरगोश। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम 6th-7th से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आइए इसकी रीडिंग करते हैं। वंस अ हेयर एंड टोटाइस वर फास्ट फ्रेंड। एक दफ़ा एक कछुआ और एक खरगोश बड़े ही गहरे दोस्त थे। द हेयर ऑफन मेड फन ऑफ हिज फास्ट स्पीड ऑफ द टोटाइज। जो खरगोश था वो अक्सर ही कछुए की आहिस्ता स्पीड का या स्लो स्पीड का मजाक उड़ाया करता था। द टोटाइज कैन नॉट कुड नॉट बियर दिस इंसल्ट। जो कछुआ था वो इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वन डे, एक दिन ही चैलेंज द हेयर, उसने चैलेंज किया खरगोश को टू रन अ रेस, के एक रेस लगाई जाए। दे फिक्स द टॉप ऑफ हिल एज द विनिंग पोस्ट। उन्होंने एक पहाड़ की चोटी जो है उसको फिक्स किया कि जो वहाँ पहले पहुँच जाएगा वो जीत जाएगा। ऑन द फिक्स डे, मुकर्रा दिन, द रेस स्टार्टेड। दौड़ जो है वो शुरू हुई। द हेयर रैन फास्ट एंड वॉज सून आउट ऑफ साइट। खरगोश इतना तेज़ दौड़ा कि वो आँखों से ओझल हो गया। ऑन द वे, रास्ते में ही ले डाउन, वो लेट गया अंडर अ शेडी ट्री, एक सायादार दरख्त के नीचे। एंड फेल फास्ट स्लीप, और गहरी नींद सो गया। बट द टोटाइज डिड नॉट लूज हर्ट। लेकिन कछुए ने जो है वो हिम्मत ना हारी। ही वेंट ऑन मूविंग, उसने अपना रेस अपना काम जारी रखा। ही सा द हेयर स्लीपिंग, उसने देखा कि खरगोश सो रहा है। इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। ही अगेन रैन एज फास्ट एज ही कुड, वो इतना तेज़ दौड़ा जितना कि दौड़ सकता था। किसकी बात हो रही है? कछुए की। वेन ही रीच द विनिंग पोस्ट, जब वो जीतने वाली चोटी पर या पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, ही फाउंड द टोटाइज, उसने वहाँ पर कछुए को देखा। सिटिंग देयर, ऑलरेडी वहाँ पर बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? कछुआ बैठा हुआ था। कौन तेज़ दौड़ा था? खरगोश तेज़ दौड़ा था। ही वॉज बैडली डिफीटेड, वो बुरी तरह शिकस्त खा चुका था। कौन शिकस्त खा चुका है? खरगोश। ही वॉज मच अशेम्ड, उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। तो इसके जितने भी आपके मॉरल्स हैं वो सारे ही याद करने हैं, ठीक है। तो इसका मॉरल जो है, मॉरल नंबर 1 है, प्राइड हेथ अ फॉल, गुरूर का सर नीचा। नेवर मेक फन ऑफ अदर, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, कामयाबी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। जी प्यारे बच्चे, हमारे पास 280 पेज पे एप्लीकेशन फॉर मिशन ऑफ फाइन है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हेडमास्टर साहब को आपने दरख्वास्त लिखनी है कि वो आपकी फ़ीस माफ़ कर दें। तो द प्रिंसिपल, आपको पता है कि साइड पे आता है द प्रिंसिपल। ABC स्कूल भी आप लिख सकते हैं, और इसके बाद नीचे ABC सिटी राइट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम हरुणाबाद राइट करते हैं। सर कॉमा, इट इज़ स्टेटेड विद ड्यू रिगार्ड, बड़े अदब के साथ गुजारिश है। दैट आई वॉज सफरिंग फ्राम फीवर विद सोर थ्रॉट, मेरा मैं बुखार में मुबतला रहा हूँ और मेरा जो गला है वो भी ख़राब था। आई वॉज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर अनवर इन द विलेज हॉस्पिटल, गाँव के अस्पताल में डॉक्टर अनवर मेरा जो है वो इलाज मुआवजा कर रहे थे। देयर फोर ताहम आई कुड नॉट कम टू स्कूल फॉर 10 days, मैं इस वजह से जो है वो 10 दिन स्कूल नहीं आ सका। आई लिव इन फार ऑफ विलेज, मैं बहुत दूर दराज के विलेज में रहता हूँ, गाँव में रहता हूँ। नो अदर स्टूडेंट कम्स फ्रॉम माई विलेज, कोई दूसरा तालब इल्म जो है वो मेरे गांव से नहीं आता मेरे स्कूल में। एज अ रिजल्ट, नतीजतन, देयर वॉज नो वन टू कैरी माई एप्लीकेशन टू स्कूल, इसी वजह से कोई भी नहीं था जो मेरी एप्लीकेशन स्कूल तक लेकर आता। नाउ आई हैव बीन फाइन ₹50, अब मुझे ₹50 जुर्माना हो गया फॉर एबसेंस, गैर हाजिरी की वजह से। माई फादर इज़ अ पुअर लेबर, मेरे फादर जो हैं वो एक गरीब मजदूर हैं। ही वर्क्स ऑन डेली वेजेस, वो एक मजदूरी करते हैं। ही हैज़ टू सपोर्ट अ लार्ज फैमिली, उन्हें बहुत बड़ी फैमिली जो है, ख़ानदान है, उसको सपोर्ट भी करना होता है, उसको भी चलाना होता है। 3 of my elder brothers एंड 1 younger sister, 3 मेरे बड़े भाई और 1 मेरी छोटी बहन आर ऑल्सो अंडर एजुकेशन, वो भी तालीम हासिल कर रहे हैं। ही कैन नॉट पे दिस हैवी फाइन, वो इतना बड़ा जुर्माना जो है वो अदा नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा जुर्माना अदा नहीं कर सकते। काइंडली रिमिट दिस फाइन, बराए मेहरबानी इस
जो फाइन है या जो भी मुझे फाइन किया गया है इसको माफ़ किया जाए एंड ओब्लाइज और मुझ पर एहसान किया जाए। यूएस ओबीडेंटली ये आपको पता है किस साइड पे राइट करना है, इस साइड पे राइट करना है, कॉमा एक्स वाई जी के आगे यहाँ ब्रैकेट में नेम भी राइट करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और उसके नीचे जो लाइन होती है ना तीसरी, उस पर हम जो है वो राइट करते हैं डेट। अभी हम इसके साथ ही आपके एक्टिव पैसिव करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के और प्रेजेंट कंटिन्यूस। जी प्यारे बच्चों, तो ये आपका होमवर्क है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेज हैं। कल मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करवाया था, तो आज इंडेफिनिट भी है और कंटिन्यूस भी है। ये आपने चेंज करने हैं पैसिव में, दे डू नॉट ओपन द डोर, हाउ डू यू प्ले चेस, डू वी प्लक फ्लावर्स, यू आर बाइंग अ बुक, ये बाय बी यू वाई आई, यू आर बाइंग अ बुक, इज रिफत आर आई एफ ए टी, इज रिफत सिंगिंग अ सॉन्ग, थ्री है। ये तीन जो हैं वो इंडेफिनिट के हैं और तीन जो हैं वो कंटिन्यूस के हैं। वट शी इज़, सॉरी वट इज़ शी राइटिंग, ठीक है। तो इज़ जो है ना यहाँ पर आना है, ये मिस्टेकनली यहाँ पे राइट कर दिया गया है, वट इज़ शी राइटिंग, ये भी इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। तो अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, पीटीएम में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, फ़ी मान अल्लाह।